तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ 2023 इस बार बॉलीवुड के लिए कमबैक होने वाला है, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स जिनकी कुछ फिल्में पिछले 3-4 साल से लगातार पिट रही थी उन सब का कमबैक होने वाला है, जिसमें से सनी पाजी ने गदर 2 से और SRK ने पठान से और रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से कमबैक तो ले लिया है, लेकिन अभी सलमान खान का आना बाकी है और समझो इन पे भी कृपा बरसा दी 2023 ने। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड सलमान खान के नाम के बिना बिल्कुल अधूरा लगता है, और जो इस बार धमाका होने वाला है और उस धमाके से जो हेटर्स पर छेद होंगे, खुद भाईजान भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये पा देंगे कहाँ से और सांस कहाँ से लेंगे। जी हाँ दोस्तों, YRF इंडिया में स्पाई यूनिवर्स को जन्म देने वाला दाता है, जिसका हेडमास्टर है अपना सलमान भाई उर्फ टाइगर भाई। ये आने वाले हैं कब? जस्ट 2 महीने बाद, दिवाली पर, सुतली बॉम्ब से भी भयंकर फटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही Tiger 3 का पोस्टर टीजर आ चुका है, और क्या सॉलिड पोस्टर है भाई, अमेजिंग। ये फ्रेंचाइजी 2012 में आज से ठीक 11 साल पहले शुरू करी गई थी, और जो तबाही मचाई थी टाइगर ने भाई, स्पाई यूनिवर्स हिला डाला था। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं किसी ने तब नहीं सोचा था। उसके बाद YRF ने तो फिर जो लाइन लगाई है, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ वॉर मूवी निकाल दी, फिर उसके बाद SRK के साथ पठान मूवी निकाल दी, और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो YRF ने वहां दिया जब पठान और टाइगर को एक ही स्क्रीन पर करण अर्जुन वाली जो जोड़ी का मोमेंट था वो लाके सेट कर दिया। भाई इस मूवी का बेस्ट पार्ट था ये, जिसकी वजह से पठान 1000 करोड़ क्रॉस कर पाई। बाय गॉड, जब भी पठान मूवी की बात हो रही थी तब टाइगर के कैमियो की बात जरूर हो रही थी। तो सोचो, जब पठान और टाइगर एक स्क्रीन पर आकर ये तबाही मचा सकते हैं, अगर ऋतिक रोशन, टाइगर, पठान और जॉन इब्राहिम, ये चार चेहरे अगर एक साथ आ गए, तो भाई साहब 1000 करोड़ तो बहुत छोटा आंकड़ा है। 2000 करोड़ से भी ऊपर जाने में इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, इस कलेक्शन को। बिल्कुल, यहां एक बार के लिए वो सीन बन जाएगा जैसा एक्सपेंडेबल मूवी में बनता है। हॉलीवुड की मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी है, जिसमें जेटली, जेसन स्टेथम, सिल्वेस्टर, एर्नोल्ड, टोनी जा और भी बड़े बड़े चेहरे हैं, ये सब जब एक साथ आते हैं भाई साहब, बात ही अलग है इस मूवी की। बाई गॉड, सेम वाइब कहो या हाइप कहो, टाइगर सीरीज की भी बन जाएगी, और YRF इसमें सिर्फ इतना ही नहीं डालेगा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आलिया भट्ट को भी इस सीरीज में डालने की तैयारी चल रही है। तो भाई साहब, फिर जो तबाही होगी, सच में किसी का बाप नहीं रोक पाएगा इस मूवी को धमाका करने से। ये पठान, जवान, KGF RRR और बाहुबली, ये सब बहुत छोटे आंकड़े नजर आएंगे इसके सामने, अगर टाइगर 3 में हमें ये सब देखने को मिल जाए तब। कसम से जो आग लगेगी बॉक्स ऑफिस में, जहर बिल्कुल। इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन ये भी हो रही है कि SRK जब पठान के ऊपर उठाने के लिए टाइगर को ला सकते हैं, तो रिटर्न एंड फेवर तो SRK को भी देना पड़ेगा, और मे बी 7 सितंबर को हमें जवान के मूवी के साथ साथ टाइगर 3 का छोटा मोटा टीजर भी देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, क्योंकि YRF बिजनेस के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और जवान जो एम्पायर बना रहा है रोज, और जो बना चुका है, फ्री की ऑडियंस कौन नहीं चाहता है साहब, क्योंकि ये बहुत सॉलिड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं कहूँगा इससे अच्छा मौका नहीं है YRF के पास टाइगर को दहाड़ मारने के लिए। अगर दिवाली पे ये तहलका मचाना चाहते हैं तब, अगर नवंबर में टाइगर 3 तहलका मचाना चाहती है तब, तो पोस्टर बहुत धांसू है, मैं फिर कह रहा हूँ, और पोस्टर में जो ऊपर टैग लाइन लिखा है कि टाइगर जिंदा है, वो और पठान में दिखाई गई घटना के बाद, और ये चीज़ टाइगर भी पठान से बोलता है अलविदा लेते समय मूवी में, भाई मुझे जाना है और मुझको तेरी ज़रूरत पड़ेगी आगे इन माय मिशन, क्योंकि मैं एक भयंकर मिशन में जा रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि करण अर्जुन एक बार फिर से साथ में देखने को मिलेंगे, और जब पठान आएगा तो दीपिका भी साथ आएगी। तो वेट एंड वॉच, नवंबर में एक और बॉम्ब फटने को तैयार बैठा है, सारे रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटेंगे। जवान जितनी मेहनत से ये रिकॉर्ड सेट कर रहा है रोज, ये सारे रिकॉर्ड चुटकियों में टाइगर तोड़ेगा ही नहीं, खा जाएगा, क्योंकि टाइगर पिछले 3-4 साल से बहुत भूखा बैठा पड़ा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या कहना है? YRF को ऋतिक रोशन, टाइगर, पठान और जॉन इब्राहिम के साथ एक स्क्रीन पर उतारना चाहिए या नहीं? दूसरा, क्या टाइगर 3 रिकॉर्ड का भी बाप बनकर निकलेगी? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।